हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया दोस्तों, ठीक है। तो अब आज का जो टॉपिक है, 1000 स्क्वायर फीट एरिया में आपका कितना ईंट लगेगा। 1000 स्क्वायर फीट अगर आप मकान बना रहे हैं तो उसमें कितना नंबर आप ब्रिक्स आपका लगेगा, इसमें सब डिटेल में बता दूंगा। अगर आपका 1000 है तब भी, और लास्ट में भी बताऊंगा अगर आपका 3000 4000 उससे ज़्यादा या कम है तब भी आप निकाल सकते हैं कितना ईंटें आपकी टोटल लगेंगे दोस्तों। तो वीडियो अंत तक देखें और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रहें दोस्तों। तो ये हमारा एक प्लान है, ये 25x, ठीक है, ये 25x40 में प्लान बना हुआ है, जिसमें आपको कार पार्किंग, बेडरूम, ठीक है, ये किचन, हॉल, बरामदा, दो बेडरूम बैक साइड में, और टॉयलेट बाथरूम आपको मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप करिए क्या करना होगा, आपको फूटिंग एरिया निकालना पड़ेगा। फूटिंग एरिया मतलब मकान को आप कुछ भी, देखिए आपके फूटिंग होंगे, ठीक है, कुछ ये वाले एरिया को फूटिंग एरिया बोलते हैं, जो ऊंचाई होती है, जो कुर्सी लेवल है उसको आपका निकाला जाएगा, फूटिंग एरिया यहाँ पे निकाला जाएगा। तो जो भी आपके 9 इंची की दीवार है, जो भी आप उसमें ब्रिक वर्क करेंगे उसमें, तो आपका ब्रिक वर्क लगेगा, तो उसको यहाँ पे निकाला जाएगा। 25.5 फीट 250 फीट 6 इंच आपका हो गया। फूटिंग हाइट यहाँ पे 4 फीट तक है, आप अपने हिसाब से, अगर आपका 3 फीट या 4 फीट या 5 फीट भी है तो ये आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा यहाँ पे आप रख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे कॉलम, जो ये आप देख सकते हैं, जैसे अगर आपकी फूटिंग है, ऑब्वियसली बात है, जहाँ जहाँ फूटिंग आपकी रहेगी, जहाँ जहाँ कॉलम रहेगा वहाँ तो आपको ब्रिक वर्क नहीं करना रहेगा। तो कॉलम के यहाँ पे टोटल 16 कॉलम है, तो 16 कॉलम के 0.75 × 16 ये आपका टोटल मल्टीपल करना पड़ेगा। तो ये आपका 4 फीट हाइट रखा गया, 12 हो गया, इसको मल्टीपल करेंगे तो आपका 12 आ जाएगा। दोनों का गुणा करेंगे 0.75 × 16 का, तो 12 आ जाएगा, और ये 4 फीट इसकी हाइट है, तो टोटल 16 स्क्वायर फीट आपका ये आ गया। अब फूटिंग एरिया आपका टोटल कितना होगा, 250 × 4, 4 कहाँ से है, इसकी ऊंचाई रखा गया, जो फूटिंग की हाइट रखी गई है 4 रखा गया है, ठीक है, माइनस 16 जो कॉलम के लिए उसको माइनस कर दिया गया है, 954 स्क्वायर फीट आपका टोटल ये आपका आ गया, जिसमें 9 इंच वाल आपका लगेगा दोस्तों। अब इसके बाद बात करते हैं 9 इंच की वाल और 5 इंच की वाल कितनी कितनी है दोस्तों। तो 9 इंच की वाल आप यहाँ पे ये जो बाहर की दीवारें हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये सब बाहर की जो दीवारें हैं आपकी 9 इंच की है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, आपको जो भी दीवारें 9 इंच की है वो आप देख लीजिएगा उस हिसाब से। तो ये आपका 140 स्क्वायर फीट होता है, 10 फीट इसकी हाइट रखा गया, तो इसको भी आपको मल्टीपल करना पड़ेगा, टोटल आ गया होगा 1400 स्क्वायर फीट आपका। अब यहाँ पे कॉलम, ऑब्वियसली बात है, कॉलम यहाँ पे डिडक्ट करना पड़ेगा, जो भी कॉलम आपका 9 इंच वाल में आपका आ रहा है देख सकते हैं, ठीक है, ये आपका टोटल जो भी कॉलम यहाँ पे 9 इंच की वाल में आ रहा है उसको भी यहाँ पे आपको डिडक्ट करना पड़ेगा। तो 82.5 यहाँ पे आ गया है, ठीक है, 9 इंच वाल का जो टोटल एरिया है यहाँ पे माइनस कर देंगे तो 1400 − 82.5 1317 स्क्वायर फीट आपका आ गया 9 इंच वाल में। अब इसके बाद की बात करें तो 5 इंच वाल आपके, ठीक है, जो भी 5 इंच की वाल है आपकी, ये सारी वाल आपके अंदर की वाल, ठीक है, ये सारी वाल आपकी 5 इंच की आपकी बनाई गई है दोस्तों। ये 5 इंच की वाल यहाँ पे 1100 समथिंग स्क्वायर फीट हो गया। कॉलम एरिया यहाँ पे जो भी कॉलम आपका लगेगा उसका हाइट यहाँ पे डिडक्ट किया जाएगा। दरवाज़ा खिड़की, ठीक है, अब 9 इंच में कोई भी दरवाज़ा खिड़की नहीं लगाया गया था, इसलिए वहाँ पे कोई भी दरवाज़ा खिड़की का नहीं साइड डिटेक्ट किया गया, लेकिन 5 इंच में आपको दरवाज़ा, खिड़की, विंडो वगैरह आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं, ये आपका सारा कुछ आपका लगा है। तो हर तरह के अलग अलग कॉलम का दरवाज़ा है, 3x6 का, जब आप मल्टीपल करेंगे 3x6 3.5 × 6.5 का, तो आप 19.5 आ जाएगा। D2 मतलब दरवाजा टाइप 2, इसका जो सब मल्टीपल करेंगे 16.25 आ जाएगा। विंडो का जो साइज़ है 20 स्क्वायर फीट ये समथिंग, इसको आप जब मल्टीपल करेंगे तो इतना आपका टोटल ये एरिया आ गया। अब यहाँ पे सब कितने नंबर आप दरवाजे आपके लगे हैं, ठीक है, आप देख लीजिए, D1 मतलब दरवाजे टाइप 1, ये 7 नंबर आप दरवाजे आपके लगे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपके 7 नंबर आप दरवाजे लगे हैं, इसको आप मल्टीपल करेंगे 36.6 हो जाएगा। D2 मतलब दरवाजा टाइप 2, इसको इसके आपके टोटल 3 है, 48.75 हो गया। विंडो 1 मतलब 21 ही लगा है, ये आपके 20 स्क्वायर फीट। विंडो 2 मतलब 6 लगे हैं, 12.72 हो गया। वेंटिलेशन 2x2 का, ये आपका टोटल हो गया 281 स्क्वायर फीट आपका, ये टोटल आपका हो गया। अब यहाँ पे 5 इंच वाल यहाँ पे जो भी है, अब इसमें 1100 समथिंग हो गया, −37 ये कॉलम का साइज, और माइनस दरवाजा खिड़की का साइज, ये आपका 782 स्क्वायर फीट आपका टोटल ये एरिया हो गया दोस्तों, ठीक है, ये आपका 782 स्क्वायर फीट। थंब रूल ये कहता है, जो भी आपकी 5 इंच की 9 इंच की दीवार है उसमें 10 ईंट लगेगी, 5 इंच की दीवार में आपकी 4.6 आपकी ईंट लगेगी। तो यहाँ पे 9 इंच की वाल कितनी है आपकी, एक देख सकते हैं आपका, ठीक है, ये आपका फूटिंग हाई फूटिंग एरिया 9 इंच वाल, ठीक है, ये आपका इतना टोटल दोनों को जोड़ लीजिए, आपका 2017 स्क्वायर फीट आपका आता है। 5 इंच वाली वाल जो है आपका एक ही है, 782, इसको आप कर दीजिए। अब यहाँ पे आप थंब रूल को आप रख दीजिए, 9 इंच वाल में आपकी 10 ईंट लगेगी, 2017 × 10 20,170 ईंट लगेगी, 5 इंच वाल में आपका 2 782 × 4.6
3597 ईंट आपकी टोटल लगे, टोटल जो हो गया 23,767 नंबर आप ईंट आपका यहाँ पे टोटल लगेगा। तो ये इस तरीके से पूरा डिटेल आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रह गया है तो कमेंट कीजिए, आपको मैं एक बार दोबारा समराइज कर देता हूँ। पहले आप क्या करिए, सबसे पहले फूटिंग एरिया निकालिए, ठीक है, यहाँ पर मैं लिखा भी हूँ। सबसे पहले आप फूटिंग एरिया निकालिए, जो भी आपका प्लान है उसका फूटिंग एरिया निकाल लीजिए। फूटिंग अपने 4 फीट 5 फीट जो भी आप रखा है रख सकते हैं। फिर 9 इंच की वाल रखिए, 9 इंच वाल में दरवाजा खिड़की और कॉलम को आपको डिलीट करना है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर कॉलम वगैरह जो भी है आप डिलीट कर लीजिए। फिर 5 इंच का एरिया निकालिए, उसमें भी दरवाजा खिड़की डिलीट कीजिए। ये आपका टोटल हो गया। 9 इंच को एक साइड रख लीजिए, 5 इंच को एक साइड रख दीजिए। 9 इंच वाली वाल में 10 इंच लगेगी, 5 इंच वाली वाल में 4.6 इंच लगेगी। अब आप इसको मल्टीपल करके आप टोटल कर सकते हैं, ठीक है। और रही बात इसका, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 23,767 ईंट आपकी टोटल लगेगी 1,000 स्क्वायर फीट एरिया में। तब 1 स्क्वायर फीट में अगर आपका बात करें तो ये लगभग 24 इंट अप्रॉक्सी 24 इंट आपका लगेगी। 10% मान लीजिए कुछ वेस्टेज हो जाएगा तो 24 इंट आपका 1 स्क्वायर फीट रहेगी। अब इससे आप किसी भी स्क्वायर फीट को आप निकाल सकते हैं, 500, 1,000, 12,000 जो भी एरिया है आप निकाल सकते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो को बहुत पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद है प्लीज़ हमारे चैनल को अपना प्यार और सपोर्ट जरूर देना है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।